गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इट्स वेरी सनी डे टुडे। आज धूप निकली दो दिन के बाद अच्छी सी, और सुबह सुबह जब धूप के दर्शन होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वो जब बादल बादल रहते हैं और वो बड़ा डल डल सा फीलिंग आती है। सनलाइट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ। तो सुबह हमारी हुई सनलाइट के साथ, और थोड़ा सा पॉल्यूशन तो था ही, अभी भी है, बट आई थिंक सनलाइट है तो चीज़ें थोड़ी बेटर लग रही हैं आज। तो अभी प्लान ये, थोड़ा सा लेट उठा आज, अभी प्लान ये कि बस अभी मॉर्निंग का जो एक्सरसाइज का शेड्यूल है वो करना है। एडिटिंग थोड़ी बहुत हो चुकी है कल की, वो अभी थोड़ी देर में ख़त्म करूँगा। सैटरडे है तो फ्री डे, और आज हमारा बाइक राइड का भी प्लान है, तो देखते हैं। अभी फिक्स नहीं हुआ है, हो सकता आफ्टरनून वगैरह में कहीं दिल्ली की तरफ निकलेंगे थोड़ी देर के लिए, बट अभी तक का तो प्लान ये है। बाकी तो जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा वैसे वैसे आपको बताता रहूँगा। एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, नहाना धोना हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, और अभी मेरी जिम्मेदारी है ध्रुव को मैथ पढ़ाने की। तो ध्रुव पढ़ रहा है ज्योमेट्री। ध्रुव को समझ में आ रहा है? आ रहा है। पक्का? चलो मैं ध्रुव को भी ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो टाइम नहीं वेस्ट करना बेटा, पूछ लेना। एक आज दोपहर में राइड का प्लान था, बट अभी तक तो कोई न्यूज़ है नहीं, तो मुझे पता नहीं वो कब तक होगी, तो वेट कर रहा हूँ। शायद हमारे जो राइडिंग ग्रुप के लोग हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, अगर वो कुछ बोलेंगे कि, वैसे तो आफ्टरनून में बोला था, अभी तो आफ्टरनून हुई नहीं है, तो शायद थोड़े समय में कॉल आए तो निकलूँगा। जो बात चल रही है शायद कुतुब मीनार तक जाएंगे और वापस आ जाएंगे चाय पी के, एक स्मॉल राइड भी हो जाएगी। अभी तक तो यही प्लान है। आज लंच बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, और आज मैं बना रहा हूँ खिचड़ी। और ये ऐसी वैसी खिचड़ी नहीं है नॉर्मल, ये है बथुए की और मूंग दाल की खिचड़ी। सो अभी मैंने इसमें डाला है देसी घी, और इसमें थोड़ा सा डालूंगा जीरा। थोड़ी सी राई, बिल्कुल एक चुटकी राई, थोड़ी सी हींग, एक बड़ी इलायची खुशबू के लिए, और लाल मिर्च जस्ट फॉर फ्लेवर, और इसमें थोड़ा सा जाएगा अदरक लहसुन का, बारीक कटी अदरक लहसुन है, कुटी हुई लहसुन, कटी नहीं है, कुटी हुई है। तो आप ये देख रहे हैं कि सब ये फर्जी नहीं है, ये बन रही है असली में। इसको ज्यादा भूनना नहीं है, इसमें मैंने ऑलरेडी उबली बथुए का पेस्ट बना के रखा हुआ है, वो थोड़ा सा जाएगा, थोड़ी देर पकेगा, बस इसके बाद ये जब पक जाएगा तो इसमें चावल और दाल धो के डाल दीजिए, और नॉर्मल जैसे खिचड़ी बनाते वैसे बना के प्रेशर लगा दीजिए, दो सीटी लगेगा और खिचड़ी बन जाएगी। होपफुली, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, होपफुली मुझे खाना दोबारा ना बनवाना पड़े घर में, और यही सब लोग खा लें क्योंकि एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो अभी देखता हूँ कैसी बनती है, और उसके बाद बताता हूँ कि बाकी लोगों का क्या फीडबैक है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो फाइनली सब कुछ तैयार हो गया, बस ये पानी भी डाल दिया है, दाल चावल भी डाल दिया है, अब इसमें एक उबाल आएगा फिर इसका ढक्कन लग जाएगा, तो ये हरी हरी बन गई बिकॉज इसमें बथुए का पेस्ट पड़ा हुआ है। नमस्कार,
ये हमारे मित्र विकास, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं और हमारा प्लान था आज, मैंने बताया था सुबह कि आज बाइकिंग का प्लान है, तो मेरी बाइक में रिस्क नहीं ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय से स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं आज पिलियन राइडिंग करूँगा विकास की नई बाइक पर जो उन्होंने ली है। तो हमारा प्लान है कि अट्टा जाना है और कॉफ़ी पीनी है, और कॉफ़ी पिलाने की जिम्मेदारी हमारे दूसरे मित्र की है, शिवा की, जो कि मैं आपसे बाद में मिलवाऊँगा, और वो भी बाइक निकाल रहे हैं अपनी। हाँ, कुछ कह रहे थे विकास सर? ये है, ये इन्होंने कीड़ा डाला है, अभी कीड़ा हम खींच रहे हैं। कीड़ा बहुत अच्छा कीड़ा होता है। जो कीड़ा खरीदा है वो 2.5 लाख रुपए का। बट मिलते हैं आप लोगों से, अभी नोएडा पहुंच के मिलते हैं। सो विकास, व्हाट आर योर रीजंस टू पिक बाइक ओवर कार और गिव मोर प्रायोरिटी टू बाइक एज कम्पेयर टू कार? विश्वास भाई, मैं आपको इसके लिए एक स्टोरी बताना चाहता हूँ और वो स्टोरी में मेन किरदार आपका ही है। आई थिंक जब हम बाइकिंग ग्रुप ये बना रहे थे तो हम पहली बार मिले, असित भाई अपनी बाइक लेके आए थे, BMW वाली बाइक, बड़ा अच्छा लगा। मैं, आप, असित भाई खड़े थे और हमने जब वो बाइक चलाई, आपने चलाई, तो मुझे भी लगा कि शायद मैं बाइक ले सकता हूँ। फिर हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें शिवा भी आए और हम लोग एक राइड पे गए जिसमें आप मुझे अपने पीछे बिठा के लेके गए। आई थिंक मुझे उस राइड के बाद ये लगा कि ये ऐसी चीज़ है, ऐसी हॉबी है जिससे आप लोगों से कनेक्ट होते हैं। आज हम कॉफ़ी पी रहे हैं, कितनी बार हम बाहर निकलते हैं, दूसरे से मिलते हैं और एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स एंड अपने बारे में बताते हैं एक दूसरे से पूछते हैं कैसे हैं। शायद अगर ये बाइक नहीं होती तो शायद हम एक दूसरे को कभी नहीं पूछते, हम अपनी सोसाइटी में इधर उधर घूमते रहते, एक दूसरे को देखते हैं, हाय हेलो ही करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बाइकिंग जो है एक मीडियम है जिससे मैं लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, और घूमने का भी बहुत बहुत जगह मौका मिलता है, आपसे सुनने को मिलता है, केदारनाथ जा सकते हैं, शिवा साहब से मिलता है सुनने को कि हम हरिद्वार और ऋषिकेश जा सकते हैं। तो आई थिंक लाइफ टू यू, क्योंकि एक कार में नहीं होती है, कार और कार वाले फ्रेंड कभी आपको कहीं लेके ज़्यादा नहीं जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो कारोबारी करेंगे या कोई भी पार्टी वार्टी करेंगे। तो मेरा नज़रिया है कि ये आपको बहुत सारी चीज़ें देता है जो आप शायद एक कार में ना पा पाए। थैंक यू मीन बाइक गिव्स यू ब्रदरहुड फीलिंग। तो शिवा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, व्हाई यू प्रिफर बाइक ओवर कार? So Vishal, I started biking around 20 years back. I had a 1979 Enfield on which I started biking, for the sole reason that I was working more than 14-15 hours a day, and I had no time for myself, and biking gave me that free time where I could introspect, clear my mind and look things from a new perspective. But of course, brotherhood, right? You get to meet people, like-minded, not like-minded people. You go through different places with them, go on different rides. Every ride is a different experience. You meet new people, new experience, and it also helps you, apart from creating social circle, it also helps you create your, corporate circle, and it helps a lot. अब विशाल भाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इस कीड़े के कर्ता धरता हैं, मेरे लिए तो है, तो आप बताइए कि आप जब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज हम आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, हमने कार की जगह बाइक ही क्यों ली, और हम तीन एकदम से कैसे एग्री करके आ गए? पहली चीज़ तो उसमें कई सारे रीजन्स हैं। पहला कि जब मैं पढ़ रहा था और जब जेब में पैसे नहीं होते थे तो कार खरीदने को कभी सोचा भी नहीं, मतलब जो एस्पिरेशंस थी कि एक बाइक ले लें, तो घर पे एक स्कूटर ली गई थी, वो इस वजह से ली गई थी कि स्कूटर में आप सब्जी ला सकते हैं, बाइक पे सब्जी नहीं ला सकते, तो एक अपॉर्चुनिटी थी एक टू व्हीलर रहने की। तो बिकॉज ऑफ द फैमिली रीजन स्कूटर चुना गया और बाइक को किनारे किया गया। तो मैंने सोचा था जब कमाऊँगा तो बाइक लूँगा, तो कमाई भी शुरू हुई, बाइक नहीं ली कभी भी। तो ऐसे ही धीमे धीमे किसी को देखा तो मुझे याद है यार, यह पैशन तो यार बाइक लेने का था, कार लेने का तो कोई पैशन था ही नहीं। तो फिर मैंने अपनी बुलेट ली 2013 में, लेकिन क्या था कि उस समय वो ग्रुप मेरे से कनेक्ट नहीं हो पाया जिससे कि मैं बाइक अपना जो पैशन है फॉलो कर पाता बाइकिंग का।
अभी रिसेंटली लोगों के साथ कनेक्ट हुआ, तुम लोगों के साथ कनेक्ट हुआ, तो वो दोबारा से रिवाइव हो गया। नाउ असली क्वेश्चन है कि वाई टुडे आई प्रिफर बाइक और कार। तो जब आप कार से कहीं जाते हो तो आप कार में बैठे होते हो, आप कार के एक एटमॉस्फेयर में कुकूंड होते हो, आपको बाहर के एयर की टेक्सचर क्या है, आपकी रोड क्वालिटीज़ कैसी हैं, आप आपका एटमॉस्फेयर क्या है, वो कार में आप डिस्कनेक्टेड रहते हो। तो कार के अंदर आप 25 डिग्री का आपने क्लाइमेट कंट्रोल सेट किया, बाहर सर्दी है, गर्मी है, बारिश, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप बाइक जब चलाते हो तो आपको आप अपने चारों ओर के एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड रहते हो। दूसरा, बाइक में आपको कभी नींद नहीं आती है, कार में थोड़ी देर बाद आप बोर होने लगते हो, बाइक आपको कभी अपनी पुरानी नहीं लगती, कार थोड़े समय बाद आप कार से बोर हो जाते हो, बट अपनी बाइक से आप कभी बोर नहीं होते, यू स्टिल टेक केयर ऑफ योर बाइक। सो एक लाइन में कह सकते हैं कि कार एक नीड है और बाइक पैशन है। तो पैशन लिव्स लॉन्गर देन द नीड, नीड चेंजेस विद द टाइम। कार आपको अपनी छोटी सी कार थी, जैसे आपकी सैलरी बढ़ती वही कार आपको छोटी लगने लगती, उसकी पावर आपको महसूस होने लगती कि पावर नहीं है इसमें, वही कार जो आपको बहुत ज़्यादा किक देती थी। लेकिन आपकी वो बाइक जो है टू व्हीलर आपका हमेशा आपको हमेशा प्यारा लगता है उसमें, आपका आपका जो अफेक्शन टूवर्ड्स योर बाइक नेवर गोज डाउन, बट विद कार इट गोज डेफिनेटली गोज डाउन विद द टाइम। बहुत सही बोला, बहुत सही बोला विशाल जी। तो एज यूजुअल जैसा मैंने आपसे शेयर किया था कि आज एक छोटी सी बाइक राइड का प्लान है, जो मेरे सोसाइटी के कुछ फ्रेंड्स हैं, हमारा एक छोटा सा बाइकिंग ग्रुप है, तो काफ़ी दिन हो गए थे हम लोगों ने कोई ट्रिप नहीं लगाई बाइक की, तो वी थॉट कि अपनी अपनी बाइक निकालते हैं और नोएडा तक होके आते हैं। बट मैंने अपनी बाइक नहीं निकाली जानबूझ के, क्योंकि मैंने एक महीने से तकरीबन उसको स्टार्ट नहीं किया था, और रात का समय है, कहीं रास्ते में बंद पड़ गई तो फिर सभी को परेशानी होती। तो आई बिकेम ए पिलियन राइडर, जैसा आपने देखा मैं विकास के साथ गया था, और वी जस्ट हैड कॉफ़ी, और बाकी उन लोगों ने अपना डिनर किया, चूँकि मैं शाम को डिनर तो करता नहीं हूँ। प्लान ये था कि जो मेरा केबल कनेक्शन है उसको दूसरे रूम में शिफ्ट करना था, और तो वो मैंने कर दिया, क्योंकि सर्दियों में रूम में थोड़ा कन्वीनियंट रहता है बैठ के देखना। और फिर एक एक्सबॉक्स मैंने लिया था बहुत पहले ध्रुव के लिए, बट ध्रुव कभी उसको यूज़ नहीं करता था, तभी मैंने उसको ड्राइंग रूम में शिफ्ट किया, और उसमें शिफ्ट करते ही यहाँ पर बड़े वाले टीवी में लगाया। तो आते ही मुझे पता लगा कि इसको करीब 4 GB का इसमें अपडेट है, तो अभी वो अपडेट लगेगा, उसके बाद ये शुरू होगा। तो चूंकि मुझे बहुत ज़्यादा गेम खेलने का शौक तो है नहीं, मैं ध्रुव के लिए लेके आया था और वो भी खेलता नहीं है, तो ये अनयूज पड़ा था पिछले तकरीबन 2 साल से। तो जैसे मैंने इसको ऑन किया, इसमें 4.6 GB का एक अपडेट आया था, मतलब पूरा ही अपडेट हो रहा है आई थिंक सॉफ्टवेयर। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसमें, करीब पिछले 10 मिनट में 16% हुआ है, तो मोटा मोटा 1 घंटा लगेगा। तो ये अभी प्लान है आज कि इसको अपडेट करके यहाँ शिफ्ट करना है, तो मैंने इसको लगा तो दिया है, तो अभी इसको अपडेट करता हूँ, अपडेट करने के बाद मैं थोड़ा फ्री होकर फिर आपसे बात करता हूँ। सो फाइनली एक्सबॉक्स इज इंस्टॉल्ड एंड अपडेटेड। 4.5 GB का अपडेट था और बहुत टाइम लग गया, तो अभी रात हो गई काफ़ी, 10 बज गया है, सोने का टाइम हो रहा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का दिन बहुत इवेंटफुल रहा, और जो जो प्लानिंग की थी दिन में वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई। तो हमारा एक प्लान था कि आज एक छोटी सी बाइक राइड पे जाएंगे, तो वो भी हो गया। मुझे आदेश मिला था कि एयरटेल का जो DTH है उसको ड्राइंग रूम से हटा के बेडरूम में लगाना है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, वो भी मैंने कर दिया। एक्सबॉक्स जो धूल खा रहा था उसको मुझे इधर वापस ला के लगाना था ड्राइंग रूम में, कि कभी कोई बच्चे वगैरह आते हैं तो वो खेल सकते हैं, और एटलीस्ट अपडेटेड रहेगा थोड़ा, सॉफ्टवेयर अगर उसका अपडेट रहेगा, तो वो सारा काम भी आज हो गया। सो फाइनली जो जो चीज़ें प्लान हुई थी वो सारी हो गई, और इस समय रात के बज रहे हैं 10, तो अभी सोने का टाइम हो गया है, मुझे नींद भी आ रही है, काफ़ी थका हुआ हूँ, सुबह जल्दी उठना है, और ये आज जो वीडियो बन रहा है ये कल सुबह सुबह एडिट करके मुझे वापस आपको दिखाना भी है, अपलोड भी करना है। तो सुबह मैं उठूँगा करीब वही 4-4:30 बजे, जो मेरा यूजुअल टाइम है उठने का। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक बनता है, और अगेन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, कहीं पर भी जाएं मास्क लगा के जाएं, बिकॉज खतरा भी टला नहीं है। टेक ऑल द प्रिकॉशंस दैट गवर्नमेंट इज़ आस्किंग अस टू टेक, एंड
गुड नाइट, लेट्स मीट टुमारो अगेन, बाय बाय।